एनडीपीएस के दो आरोपियों को रीवा न्यायालय से 10 वर्ष का सश्रम कारावास। वर्ष 2015 में नशीली कप सिरप के साथ पकड़े गए थे आरोपी। विश्वविद्यालय थाने में हुई थी कार्रवाई। बता दें कि रीवा न्यायालय से एक बार फिर एनडीपीएस के दो आरोपियों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। यही नहीं, आरोपियों के ऊपर 1,00,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। ये फैसला आज एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश केशव सिंह के कोर्ट से सुनाया गया, जिसमें शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक शशि तिवारी द्वारा की गई थी। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक शशि तिवारी ने बताया कि वर्ष 2015 में थाना विश्वविद्यालय के द्वारा एक कार्रवाई की गई थी, जिसमें आरोपी रवि शुक्ला को मोटरसाइकिल में नशीली कफ सिरप लाते हुए पकड़ा गया था। इसी की निशानदेही पर दूसरे आरोपी राजीव द्विवेदी निवासी सिरमौर को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके घर से नशीली कफ सिरप बरामद की गई थी। इस मामले में कई वर्षों तक चले ट्रायल के बाद न्यायालय ने यह माना कि दोनों ही आरोपी नशीली कफ सिरप के तस्करी का दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 1,00,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इस दौरान अर्थदंड न जमा करने पर उनकी सजा में 1 वर्ष की सजा और भी काटनी पड़ेगी। प्रस्तुत है लोक अभियोजक शशि तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। विश्वविद्यालय थाना ने कार्रवाई की थी, दिनांक 11/2/2015 की बात है। विश्वविद्यालय पुलिस को मुखबिर द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई कि रवि शुक्ला पिटौरा बाईपास होते हुए नशीला कफ सिरप लेकर आ रहा है। तब पुलिस मुखबिर द्वारा बताए अनुसार वहां दबिश दी। वहां पर जब इस व्यक्ति को देखा निकलते हुए वहां से, तब इसकी तलाशी ली। तब इसने इसके मोटरसाइकिल से एक हरी रंग की पन्नी थी, उसमें नशीला कफ सिरप था, जिसकी गणना करने पर 70 cc पाई गई थी। और इसने अपने मेमोरेंडम कथन में एक व्यक्ति राजीव द्विवेदी, जो सिरमौर का रहने वाले था, उसका नाम बताया था कि वह उसके यहाँ से नशीला कफ सिरप लेकर आया है। इसका जब्ती उप्ती करने के बाद फिर सिरमौर गए। सिरमौर में राजीव द्विवेदी के मकान की घेराबंदी की गई और उसकी तलाशी ली गई। मकान की तलाशी लेने पर खाकी रंग के कार्टून से 120 cc नशीला कफ सिरप पाया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना लाया गया था और इसकी आज सुनवाई हुई है, जिसमें एनडीपीएस विशेष न्यायाधीश श्रीमान केशव सिंह जी ने आज एनडीपीएस की धारा 8C एवं 21C में दोनों आरोपी गणों को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 1,00,000 रुपये अर्थदंड तथा अर्थदंड न अदा करने पर 1 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा का निकाल दिया।